कल से दशहरा मैदान में शुरू होगी श्री राम कथा। 6 दिन कथा के दौरान क्या रहेगा ट्रैफिक प्लान, A to Z जानकारी। शुक्रवार से दशहरा मैदान में 6 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ होगा। वहीं अंतिम दिन 10 मई को भागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा। इसकी शुरुआत कलश यात्रा से होगी। वन वे से लेकर नो व्हीकल जोन की व्यवस्था की गई है। SP राकेश कुमार सगर ने बताया कि कार्यक्रम में अत्यधिक श्रद्धालुओं एवं विशेष व्यक्तियों के सम्मिलित होने को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान, यज्ञशाला, बीज निगम स्थित भोजनशाला सहित शहर से कार्यक्रम आयोजन स्थल तक पहुंचने वाले विभिन्न मार्गों पर सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। इस व्यवस्था हेतु 850 पुलिस फोर्स को सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था में तैनात किया गया है। इसके साथ ही पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा ड्रोन कैमरों एवं CCTV कैमरों के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर विशेष नज़र रखी जाएगी। रूट तो आएगा AB रोड से, मतलब अपन लक्ष्मीनारायण मंदिर से इधर आएंगे जगत होटल की साइड, गुरुद्वारे के साइड चले जाएंगे। रूट रहेगा जयस्तम चौराहे से प्रारंभ करेंगे, जयस्तम चौराहे से गुरुद्वारा होते हुए जयस्तम चौराहे जगत होटल, जगत होटल से गुरुद्वारा, गुरुद्वारे के सामने से लक्ष्मीगंज होते हुए सदर बाजार में प्रवेश करेंगे और सदर बाजार सुगंज चौराहा रपटा, रपटा से हार्ट रोड, हार्ट रोड से हनुमान चौराहा, हनुमान चौराहा से कलेक्ट्रेट वाला टर्न लेकर के कलेक्टर महोदय SP महोदय के बंगले के सामने से राइट टर्न लेकर के जेल रोड के सामने से फिर हम दशहरा मैदान के लिए प्रवेश करेंगे और सभी माताएं बहनें यहां पर जो कलश लेकर आएंगी, हम कलशों की एकत्रीकरण की व्यवस्था हमने यज्ञशाला के पिछले भाग में रखी है। सभी माताओं बहनों से अपील रहेगी कि सभी माताएं बहनें यज्ञशाला के पिछले भाग में कलशों का समर्पण करेंगी। कलश कार्यक्रम रहेगा, कल का जो हमने कार्यक्रम तैयार किया है, कल जो हमारी कलश यात्रा प्रारंभ होगी तो कलश यात्रा का रूट अग्रवाल जी ने बता दिया है। कलश यात्रा में हम लोगों ने गुना शहर के उत्साही युवाओं के द्वारा भी एक जो शिव पालकी निकाली जाती थी, शिव पालकी की युवाओं की एक टीम उस कलश यात्रा में रहेगी। साथ ही हमने शेगांव महाराष्ट्र की झालर वाली टीम बुलाई है जिसमें युवक और युवतियों के द्वारा उसमें झालर एवं ढोल की प्रस्तुति के साथ आयोजन किया जाएगा। साथ ही हमारे मिश्रा जी जो कि इंदौर के भजन गायक हैं और हमारी उस कलश यात्रा में संगीतमय आयोजन को संचालित करेंगे। इस तरह का हमने स्वरूप तैयार किया है धूले धार्मिक भजनों के साथ। धूले महाराष्ट्र से भी हमारी एक टीम आ रही है। इन सभी लोगों के लिए हमने व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं। आज संभवतः ये सारी की सारी टीमें शाम तक गुना पहुंच रही हैं और गुना में जैसा कि हमारा देश का एक और हमारे वरिष्ठ जनों का एक नारा रहता है कि अतिथि देवो भव, तो हम सभी लोग हमारे जो अतिथि आ रहे हैं हम उन सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। इस स्वागत सम्मान के लिए हमारी महिला टीम को हम एक्टिव करेंगे और हम सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे, स्वागत के साथ उनकी हम यहाँ पे अगवानी करेंगे और कल सभी लोग सामूहिक रूप से इन जो कलाकार जो अलग अलग अपने अपने राज्यों की विशेषताएं जिनके पास है, उन राज्यों के जो कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं, हम उन सभी के साथ मिलकर के एक भव्य और अति भव्य कलश यात्रा करेंगे और कलश यात्रा के उपरांत आपने बताया है कि हम संगीतमय हनुमान चालीसा का आयोजन जो किया जाना है, इसके लिए हम आप सबके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं कि गुना शहर के सभी माताएं बहनें युवा एक सनातन की अलग जगाने के लिए, सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। ये इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य
माँ बीसभुजा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार नवीनीकरण एवं वहाँ पर मातृलोक के निर्माण के साथ नवग्रह मंदिर के निर्माण की कार्य योजना के साथ हम ये आयोजन कर रहे हैं और उसी आयोजन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये आप सामने देख पा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हेतु यज्ञशाला बनकर तैयार हो गई है और यज्ञशाला के लिए सभी यज्ञाचार्य का गुना आगमन चालू हो गया है। यज्ञाचार्यों की कुछ टीम यहाँ गुना आ चुकी है, सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं और एक हम गुना शहर में गुना के ऐतिहासिक उत्सव को मनाने के लिए बच्चा बच्चा और जन जन उत्सव मनाएगा, ऐसी हमारी सबकी भावना है।